अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और मेरे चैनल का नाम बर्ड्स केयर है। दोस्तों, मैं आपके साथ हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ और ये मेरा एक बहुत प्यारा पेड़ है जिसकी मैं प्रोग्रेस की पहले भी वीडियोज दिखाता रहा हूँ। 6 ब्रीड की भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और ये 7th ब्रीड की आज वीडियो बना रहा हूँ। सो दोस्तों, आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाऊँ और इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी। सो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, ग्रे का मेल है, ये बहुत ही बेस्ट पेयर है मेरा। ये तकरीबन ये मेरे पास इसकी 7वीं ब्रीड है, क्रीम की इसकी फीमेल है और बाकी इसके अंदर मैं अभी दाना पानी अंदर रखा हुआ है और ये केज अच्छा खासा बड़ा है। मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर दिखाया है, ये देखिए। सो दोस्तों, मैं अभी पिंजरे के अंदर जाता हूँ और आपको वहाँ से दिखाता हूँ इनकी प्रोग्रेस। और बच्चे इन्होंने निकाल दिए हैं और आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कितने बच्चे निकाले हैं और कितने एग्स बाकी हैं अभी। सो दोस्तों, अभी मैं अंदर जाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अंदर जाने के लिए दाना पानी बाहर निकाल रहा हूँ ताकि मैं अंदर जाऊँ तो आराम से। और ये देखिए, मैं इनका एक एक करके दाना पानी बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि जब ये अंदर उड़ते हैं तो दाना पानी के ऊपर भी गिरा भी सकते हैं, तो अभी जाना आसानी हो जाएगी। मैं अभी अंदर जाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गया हूँ और ये ग्रे का मेल अपनी मटकी के पास आ गया है। और फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कॉकटेल जो है ये बहुत ही बेस्ट पेयर है और ये पूरा साल जो ब्रीड करते हैं और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अभी भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। और ये मई में भी आपको, जून जुलाई में मैं इनको रेस्ट देने का प्रोग्राम है। अगर रेस्ट ना भी दूँ तो ये ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन अब बेहतर है आप जून जुलाई का महीना जो है ना इनको रेस्ट दे दें और बाकी पूरा साल ये ब्रीड करते हैं, गर्मियों में हो सर्दियों में हो। और ये 7वीं ब्रीड है इनके पास मेरी, तकरीबन 1.5 साल का टाइम हुआ है और बहुत ही अच्छा पेयर है मेरा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पेयर रखा हुआ है इतने बड़े में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सेपरेट जो है वो सही रहता है। ज़्यादा पेयर जो हैं वो फिर लड़ते हैं आपस में, सेटिंग नहीं रहती, अच्छा नहीं रहता। बाकी पेयर की भी वीडियो में दिखाऊंगा, वो अलग से रखे हुए हैं केजेस में। और यहाँ पे सिर्फ ये एक पेयर रखा हुआ है मैंने और सबसे मेरा ओल्ड पेयर है। 16 बच्चे इन्होंने मुझे दिए हैं और अभी चल के इसके आगे चल के इसका देखते हैं और ये आगे चल के मटकी सूरत हाल देखते हैं। मैं पास आ गया हूँ, ये देखिए ये फीमेल, मैंने इसके ऊपर से हटाता हूँ। ये देखिए ये क्रीम की फीमेल है, ये देखें ये आपको बेबी नज़र आ गया और अभी 3 एग्स हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वैसे तो नॉर्मली हम सुनते हैं या मैंने भी ये मेरा भी यही था एक्सपीरियंस कि 21 दिन में ये बच्चे निकालते हैं। तो मैंने इनका टाइम नोट किया था जब इन्होंने एग्स दिए थे और फिर एग्स से बच्चे निकले, तो ये तकरीबन कोई 18 से 19 दिन बनते हैं, मुश्किल से 19 दिन बनते हैं मेरे हिसाब से, 18 या कह लें कि 19 दिन के करीब बनते हैं इन्होंने जो है ना एग्स से बेबी इनका निकला है। और वैसे 21 दिन हम सुनते हैं, लेकिन मैंने नोट किया इस बार तो मुझे आइडिया हुआ कि ये तो 19 दिन के अंदर बच्चा इसका निकला है और ये भी 3 एग्स अंदर पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनमें से भी बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कल ये बच्चा निकला है, आज इसका ये दूसरा दिन है। तो दोस्तों, ये कॉकटेल जो है बर्ड्स हैं ये आप जो है रखें, ये बहुत ही बेस्ट है और पूरा साल ब्रीड करते हैं ये और बहुत ही एक मरतब ये चल जाता है पेयर तो उसके बाद फिर ये चलता ही रहता है, ये फिर स्टॉप नहीं करता और ये तकरीबन मिनिमम 10 साल तक आपके पास ब्रीड कर सकता है इजीली। तो ये मेरा बहुत सबसे पहला पेयर है और इसने मुझे 16 बच्चे दिए, इस बार देखते हैं 4 एग्स में से कितने देखते हैं। ये ज़्यादातर ये 4 में से 4 एग्स देते हैं और 3 बच्चे निकाल देते हैं और 4 में से 4 भी निकाले हुए हैं। पिछली मरतब दो बच्चे डाई हो, एक बच्चा डाई हो गया था, उससे पिछली मरतब भी 2 बच्चे डाई हो गए थे, वो भी कोई वजह बन जाती है, सर्दियों का मौसम था, मटकी ज़्यादा ठंडी हो गई थी, ये यही रीज़न था। तो अभी तो गर्मियाँ हैं तो मटकी ठंडी होने वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, आपको ख़ुराक थोड़ी अच्छी देनी पड़ेगी, जैसे काले चने हैं वो आप शुरू के कुछ दिन हफ्ता दो हफ्ता बंद कर दें क्योंकि वो हैवी हार्ड होते हैं, बच्चे हज़म नहीं कर पाते, और इनको गंदम भिगो के दें और नॉर्मल जो दाना है वो दें और पानी इनका लाजमी चेंज करें दिन में एक मरतबा। तो बाकी केयर्स करें, बाकी जो है
ये बहुत ही बेस्ट पेयर है। ये देखिए, ये बैठा हुआ है ग्रे का मेल और क्रीम की फीमेल अंदर है। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।